हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक एडवोकेट की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसी के हम सारे लीगल प्रोविजंस जानेंगे जो कि प्रोवाइडेड है हमारे सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 7 बताता है फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन रुकिए थोड़ा, बुकिश लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम फोकस करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया टर्म पे। तो जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे हमें पता चलता है कि ये जो एजेंसी होने वाली है या फिर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे इंडिया पे डील करेगी। इट मीन्स कि ये होल ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। बिल्कुल सही। सेकेंड, हमें इससे पता चलता है कि जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 6 में प्रोवाइडेड है, जिनकी वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं स्टेट बार काउंसिल के बारे में। अगर सारी स्टेट बार काउंसिल्स का हेड बताया जाए तो वो होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हैं। अब हम आगे जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होंगे, बिकॉज इसके फंक्शंस काफ़ी बेसिक हैं और स्टेट बार काउंसिल से मैच करते हैं, क्योंकि मेन फंक्शंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के होते हैं और फिर ये अपनी पावर से उन्हें स्टेट बार काउंसिल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल देता है। इसलिए काफ़ी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस स्टेट बार काउंसिल से मिलते हैं। फिर भी हम डील करते हैं इनसे और जानते हैं सेक्शन 7 क्या बोलता है। फर्स्ट, द फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स। अब देखिए, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट मीन्स एडवोकेसी इज अ प्रोफेशन, तो हर प्रोफेशन का एक कॉन्डक्ट होता है जो उसका मतलब एक लेवल बना के रखता है। जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर्स हैं, इनके लिए IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि आपको कैसे पेश आना है क्लाइंट से, अपने पेशेंट से। आपको जैसे किसी पेशेंट को मना नहीं करना है अगर वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा, एंड आपको स्ट्राइक पर नहीं जाना है। ये सब रूल्स होते हैं एक हर प्रोफेशन के। ऐसे ही एडवोकेसी प्रोफेशन के रूल्स एंड एटिकेट्स कौन डिसाइड करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकेंड इज to lay down the procedures to be followed by its disciplinary committee. अब देखिए, किसी एडवोकेट ने अगर कुछ इल मैनर में कुछ भी काम कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन होता है। एक्शन से पहले डिसिप्लिनरी कमेटी पे उसका मैटर जाता है। तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे डील करेगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो भी कौन तय करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। टू सेव गार्ड द राइट्स, प्रिवलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स। बिल्कुल सही बात है, एडवोकेट्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल इनके राइट्स भी बचाएगा। प्रिवलेजेस एंड इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा? जाहिर सी बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही सोचेगा। नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स। बिल्कुल होना चाहिए। टू डील विद एंड डिस्पोज ऑफ एनी मैटर अराइजिंग अंडर दिस एक्ट विच मे बी रेफर टू इट बाय स्टेट बार काउंसिल। कभी कभी कुछ ऐसे मैटर्स आ जाते हैं स्टेट बार काउंसिल में जो कि वो रेफर करना चाहती है या फिर उसकी पावर के बियॉन्ड होते हैं, तो वो सारी मैटर से कौन डील करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया डील करेगी। टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर स्टेट बार काउंसिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि सारी स्टेट बार काउंसिल्स पे सुपरवाइज करेगा उन्हें, उन्हें कंट्रोल में रखेगा। नेक्स्ट, टू प्रमोट लीगल एजुकेशन। बहुत ही अच्छा। एंड ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ सच एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इम्पार्टिंग सच एजुकेशन एंड द स्टेट बार काउंसिल। देखिए यहाँ पे कौन कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ जो कि लॉ की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, एंड थर्ड वन इज स्टेट बार काउंसिल। इनसे मिलके ये क्या बनाएंगे? लीगल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और इसके करिकुलम डिसाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हुज डिग्री इन लॉ शैल बी अ क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। इट मीन्स कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे हम स्कूल देखते हैं, स्कूल होते हैं UP बोर्ड, CBSE, ICSE, ये सब बोर्ड्स होते हैं, कुछ सेंट्रल बोर्ड्स भी हैं जैसे CBSE है। तो CBSE क्या करता है? एफिलिएट करता है स्कूल्स को। ठीक है, तो आप हमारा प्रोग्राम चलाइए, हम आपके स्टूडेंट को डिग्री देंगे, वो हम अपने नाम पे देंगे, तो इनकी वैल्यू होती है। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ लॉ वाली, इनको वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर उसकी बताई गई और उसकी बताई गई अप्रूव की गई यूनिवर्सिटी है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और विदाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। अगर वो चलती है तो वो फेक मानी जाती है, मतलब उसकी लॉ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट इज टू कॉन्डक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स। ये काम होता रहता है, लीगल टॉपिक्स पे बातें होती है, सेमिनार्स होते हैं, टॉक्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट को बुलाया जाता है, इनके पब्लिश होते हैं लॉ जनरल्स एंड पेपर ऑफ लीगल इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें लॉ को बढ़ावा देने की होती है, ये सब ये काम भी चलता रहता है। नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू पुअर इन द प्रिस्क्राइब मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट, पुअर को लीगल एड के लिए हमेशा कैंप्स एंड उनको अवेयर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है, ताकि पुअर तक भी ये बात पहुंच सके कि आपका लीगल राइट होता है कि आप अगर आप कुछ कोर्ट से कहना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। जैसे DLSA बना हुआ है, लीगल सर्विस एसोसिएशन, ये दिल्ली का है और हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट इज टू रिकॉग्नाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे टू ऑर्गनाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट. इट मींस रेसिप्रोकल बेसिस पे फॉरेन क्वालिफिकेशन को आप रिकॉग्नाइज करेंगे. मतलब रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब है वो कंट्रीज जो इंडिया के लॉ को अपने देश में अप्रूव करती है कि ठीक है आपने इंडिया से लॉ किया है आप हमारे देश में आके प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं को उसी देश के नागरिक को अगर उन्होंने वहाँ लॉ करी है हम इंडिया वाले भी अप्रूव करेंगे, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल. अगर आपने हमारा लॉ रिकॉग्नाइज किया वहाँ पे तो हम आपके वाले लॉ को भी अपने कंट्री में प्रैक्टिस करने का अवसर देंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही है. नेक्स्ट इज मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ बार काउंसिल. बेसिक फंक्शन है टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, काफ़ी बेसिक फंक्शन है. एंड टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग द अफोरसेड फंक्शन. ऊपर वाले सभी फंक्शंस के लिए अगर कुछ और करना पड़ता है तो वो भी आप कीजिए. तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के. ये था फर्स्ट पॉइंट. अब आगे एक्ट में चलते हैं, इसमें सेकेंड क्लॉज क्या कहता है. अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब मैनर फॉर द पर्पस ऑफ. फंड्स का मतलब है कि ये अलग अलग फंड बना सकता है, जैसे लॉयर वेलफेयर फंड अलग, मेडिकल अलग, किसी भी और चीज़ के लिए अपने एक्सपेंसिस के लिए अलग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, ये सब चीज़ें ये कर सकता है. इसके लिए गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गनाइज वेलफेयर स्कीम्स के लिए, लीगल एड एंड एडवाइस के लिए, लॉ लाइब्रेरीज के लिए ये कर सकता है. थर्ड वन इज अ बार काउंसिल मे रिसीव एनी ग्रांट्स डोनेशन. अब देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है, बट कोई ग्रांट से भी आ सकता है, डोनेशन से भी आ सकता है, गिफ्ट से भी आ सकता है, बेनिफिक्शन और ऑल अदर पर्पसेस कहीं से भी आ सकता है, विच शैल बी क्रेडिट टू द एप्रोप्रिएट फंड और फंड्स. तो ये डिसाइड करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहीं से भी फंड ले सकता है, मे रिसीव. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स थे. आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए. इससे क्या होता है कि आपका तो सिर्फ थोड़ा सा डेटा जाता है, लेकिन जो वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वो अच्छा अच्छा कंटेंट देने के लिए सोचता है. तो आई होप आप इसको समझेंगे और इसको वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच, बाय बाय.